नमस्कार भक्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका अपने चैनल कथा भजन में, जहां हम वैशाख महात्म के 10वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। मैथिल बोला, हे ब्राह्मण, आपने कामदेव की स्त्री रति का चरित्र सुनाया, अब कृपया अशून्य शयन व्रत धारण करने की विधि कहिए। इसमें क्या दान होता है, कैसे पूजन किया जाता है तथा उसका क्या फल होता है? यह सुन श्रुतदेव कहने लगे, हे राजन, इसका विधान श्री हरि भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा था, वह सब मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जिससे श्याम वरण लक्ष्मीपति जगन्नाथ संपूर्ण पापों को नाश कर प्रसन्न हो जाते हैं। हे महापते, सोने व चांदी की मनोहर मूर्ति बनाओ, पीतांबर धारण करा, सुंदर वनमाला से सजाएं, पुष्पों और सुगंधित द्रव्यों से पुरुषोत्तम भगवान का श्रावण शुक्ला द्वितीया से 4 मास तक प्रतिदिन पूजन करें और ब्राह्मणों को शैया दान वस्त्र दान करें और ब्राह्मणी सहित भोजन कराएं। फिर मार्गशीर्ष आदि मासों में पूर्वतः रक्तवर्ण हरि भगवान का रुक्मणी सहित ध्यान कर पूजन करें। ऐसे ही चैत्र मास से 4 मास तक भूमि पर आसन विशा भक्ति से हरि भगवान का पूजन करें और अषाढ़ की द्वितीया के दिन समाप्त करें। उस दिन अष्टाक्षर मंत्र ओम नमो नारायण इस मंत्र से हवन करें। मार्गशीर्ष आदि मासों में पारायण के दिन विष्णु गायत्री इस मंत्र से हवन करें और भक्ष भोजन आदि चारों प्रकार के भोजन करें और चैत्र आदि मासों में सहस्त्र शीर्षा इस पुरुष सूक्तर मंत्र से हवन कर पंचामृत खीर घृत पका मालपुआ भोग के लिए करावें और लक्ष्मी नारायण को स्नान करा बीच में श्री कृष्ण जी की सोने व चांदी की मनोहर मूर्ति रख भोग लगाएं। फिर केशव आदि नाम से ब्राह्मणों को भोजन करा श्रद्धा अनुसार 2 वस्त्र और अलंकारों से पूजन करके मालपुआ ब्राह्मण के निमित्त 12वें दिन दें। फिर पूर्व कल्पित प्रतिमाओं को संपूर्ण अलंकारों से आभूषित कर आचार्य को दें और 6 का संकल्प करें। ऊपर लक्ष्मी नारायण का विधिवत पूजन करें, कांसे का पात्र दें और ब्राह्मणों को भोजन करावें। दान मंत्र, हे जनार्दन, जैसे आपकी शैया लक्ष्मी से अशून्य है, वैसे ही केशव, इस शैया दान से मेरी शैया अशून्य हो। इस प्रकार भगवान की पूजा कर आप भोजन करें। इस व्रत को पुरुष सौभाग्यवती स्त्री तथा विधवा अशून्य शयन के निमित्त धारण करें। जो मनुष्य विष्णु धाम जाने की इच्छा करता है, उसको यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इसके करने से जगन्नाथ भगवान प्रसन्न होते हैं, देव दुर्लभ कार्यों की सिद्धि होती है और अनेक प्रजाओं की वृद्धि होती है। अतः जैसे भी बने यह व्रत अवश्य करें। यह वर्णन हो गया, अब तुझे और क्या सुनने की इच्छा है, वह बताओ। यह सुन राजा ने फिर श्रुतदेव जी से पूछा, हे महाराज, वैशाख मास में छत्र दान करने का महात्म सुनाइए, क्योंकि वैशाख के कर्तव्य शुभ कर्मों को सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं होती है। राजा के ऐसे वचन सुन श्रुतदेव राजा से कहने लगे कि छत्र दान के फल की एक
प्राचीन कथा कहता हूँ। सतयुग में एक हेमकांत नाम का बंगाल देश के राजा कुश केतु का पुत्र था। वह बड़ा बुद्धिमान तथा बलवान था। वह एक दिन शिकार खेलने गया। वहां घने वन में अनेक प्रकार के मृग और शूकरों को मारता हुआ थकने पर दोपहर को मुनियों के आश्रम में पहुंचा, जहां क्षत्रिय नामक ऋषि व्रत में मगन समाधि लगाए ध्यान कर रहे थे। इससे उनको पता ना चला कि आश्रम में कौन आया है। अतः ऋषि ने उठकर राजा का सम्मान नहीं किया, जिससे क्रोधित हो राजा उन्हें मारने को उदित हुआ। तब ऋषि के 10,000 ऋषियों ने उसे रोका। क्रोध में बिहल होकर राजा कहने लगा, हे ब्राह्मणों, मैं थक गया हूँ, तुम मेरा आदित्य सत्कार करो। परंतु गुरु की आज्ञा के बिना क्या सत्कार करें? ऐसा शिष्यों से सुन राजा उन्हें मारने के लिए धनुष उठा लिया और अत्यंत क्रोध कर बाण छोड़ने लगा। तब शिष्य भागने लगे। उनमें से 300 शिष्यों को मार डाला और आश्रम में रखी हुई वस्तुओं को पाप बुद्धि सैनिकों ने ले लिया और खूब भोजन किया। जब सायंकाल के समय राजा सेना सहित पुरी में आया और उसके पिता कुशकेतु ने इस दुष्ट व्यवहार को सुना तो बेटे की निंदा कर पुरी से बाहर निकाल दिया। तब हेमकांत व्याकुल हो गहन वन में चला गया। वहां उसे ब्राह्मणों की हत्या सताने लगी। वहां पर जीव जंतुओं को मार कर खाते हुए इधर उधर घूमते घूमते 28 वर्ष बीत गए। एक दिन की बात है कि तीर्थ यात्रा करते हुए ऋत नामक महामुनि बैसाख मास में दोपहर के समय वन में आए, जो धूप और तृषा के मारे व्याकुल हो वृक्षहीन स्थान में मूषित होकर गिर पड़े। देव योग से हेमकांत ने त्रित मुनि को ऐसी दशा में देखकर ढाक के पत्तों की छतरी बना धूप निवारण के लिए सिर पर लगाई और अलंबू का जल दिया। इस उपचार से मुनीश्वर की मूर्छा जाती रही। जब चेत हुआ तो उस पत्तों की छतरी को लगाए धीरे धीरे किसी गांव में पहुंचे। इसी पुण्य के प्रभाव से उसकी 300 ब्रह्म हत्याएं दूर हो गई, जिससे हेमकांत को बड़ा विस्मय हुआ कि मेरी ब्रह्म हत्या कैसे दूर हो गई। इसी विचार में पड़ा था कि हेमकांती को संग्रहणी रोग उत्पन्न हो गया, जिससे पारस संकट जान व्याकुल हुआ। तभी उसे 3 पुरुष बड़े भयंकर यम के दूत दिखाई दिए। वह अपने कर्मों को सोचने लगा कि उसे छतरी का दान ध्यान आया, सो ही वह विष्णु भगवान का स्मरण करने लगा। तुरंत विष्णु भगवान ने अपने महामंत्री विश्वकसेन को आज्ञा दी कि तुम जल्दी जाकर यमदूतों को रोको, क्योंकि हेमकांत ने बैसाख मास में धर्म किए हैं, इसलिए उनसे छुड़ाकर उसके पिता कुशकेतु राजा के पास ले जाकर कहो कि विष्णु भगवान की आज्ञा अनुसार तुम हेमकांत को राज्य का भार सौंप दो। विष्णु भगवान की आज्ञा पा विश्वकसेन
हिमकांत को साथ लेकर कुश केतु के पास गए और जो जो बात विष्णु भगवान ने कही थी वह सभी उसको बता दी, जिनको सुनकर कुश केतु ने पुत्र को सिंहासन पर बैठाया और स्वयं अपनी स्त्री सहित वन में तप करने चला गया। तब राजा हिमकांत ने बैसाख मास में कहे सब शुभ धर्मों को किया, जिनके करने से जितेंद्र, दयालु, सर्व संपत्तियों से युक्त, पुत्र पौत्र आदि से संपन्न हो संपूर्ण भोगों को भोग कर विष्णु लोक को गया। बैसाख मास के धर्मों से अधिक कोई धर्म पापों के नष्ट करने वाला नहीं है और यह सुलभ तथा धर्म अर्थ काम मोक्ष रूप पुरुषार्थ चतुर्दश का दाता है। इस प्रकार बैसाख महात्म के दसवें अध्याय की कथा समाप्त होती है। जय श्री कृष्णा।